माँ नहीं हूं मैं। वो लड़की ठीक कहती थी, एक माहिरी ऐसी होती है क्या एक माँ अपने बच्चों को ऐसा दर्द देती है। मेरे दिल में ममता नहीं है, मेरा दिल पत्थर का है, पत्थर का। मैं इस गद्दी पर बैठकर अपने बच्चों पर 100 कोड़े पड़वाती हूं, लेकिन उनका दर्द रुकवा नहीं सकती, क्योंकि मैं एक सेठ जी हूं। सेठ जी, यही चाहते थे ना आप? यही चाहते थे आप? बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको मुझे इस हालत में देखकर, मुझे ऐसा मजबूर कर इसीलिए छोड़कर चले गए आप मुझे। इसीलिए आप छोड़कर चले गए देवसु को, इस गद्दी को मुझे, और शहर की चकाचौंध में गुम हो गए। विनायक राव, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, क्योंकि इस गद्दी पर बैठकर मैं अपने बच्चों पर 100 कोड़े पड़वा सकती हूं, लेकिन अपनी आंखों से एक आंसू बहा नहीं सकती। ये क्या मजबूरी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको वापस आना होगा, वापस आके ये सब कुछ संभालना होगा। वापस आ जाइए विनायक राव, आप मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं एक माँ हूं। जब मेरे बच्चों का दिल दुखता है तो मुझे दर्द होता है, मेरे आंसू आते हैं। मुझसे नहीं होगा, वापस आ जाइए। आपकी अहिल्या आपको बुला रही है, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बाजी आराम से सीढ़ियां देखकर, देख के मेरे भाई। वासु, जाओ जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। पुत्रा, सेठ जी को सूचित कर दो कि हम बाजी को ले आए। वहां मत जाओ। दादा ठीक तो है ना भाभी? बाजी काका, आपको किसने मारा? बता, अभी मैं उसको मार के आता हूँ। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए, और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
भरी चोट दिख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी